कभी कभार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा लो या इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं कि कुछ भी काम नहीं आता, तब हेल्प आती है हमारी पर्सनल फेवरेट इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड कोट्स, क्योंकि ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज या कोट्स ऐसी होती हैं कि ये हमें सिर्फ दोबारा मोटिवेट नहीं करती, खड़ा नहीं करती दोबारा, लेकिन हमें उस सिचुएशन से डील एंड फाइट भी करवाती है। इसका एग्जांपल मैं आपसे अपनी फेवरेट स्टोरी बता के शेयर करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक सिख हूँ, सरदार हूँ, वारिस हूँ अपने 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज का, जिन्होंने देश को औरंगजेब के जुल्मों से बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, परिवार तक खो दिया। उनकी कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा एक, एंड कहते हैं कि इस कहानी से बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स जैसे कि 300 भी इंस्पायर्ड है, एंड अक्षय कुमार की मूवी बैटल ऑफ सारागढ़ी, उसमें भी जो सिख उन पठानों से लड़ पाए थे वो भी इस स्टोरी से वाकिफ थे, इसलिए लड़ पाए थे। ये ऐतिहासिक कहानी है बैटल ऑफ चमकौर की, जो 6 दिसंबर 1704 को चमकौर में लड़ा गया था, आज के टाइम में जो पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब औरंगजेब नॉर्थ इंडिया को पूरा कब्जा कर चुका था, हर राजा को अपने घुटनों पर ला चुका था, लेकिन उसका एक ही मकसद बचा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी को घुटनों पर लाना है। उसके लिए उसने अपने सेनापति वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना, 10 लाख की फौज गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे छोड़ रखी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी उनसे छुपते छुपते बचते बचते अपने 42 सिखों के साथ, जिनमें उनके 2 बड़े बेटे भी इंक्लूडेड थे, उनके साथ पहुँचते हैं चमकौर के एक बड़े से किले में जो एक पहाड़ी के ऊपर सिचुएटेड था। वहाँ किले में पहुँचने के बाद फाइनली 10 लाख की सेना औरंगजेब की उसको घेरने में कामयाब हो जाती है। अब सोच के देखो, अपने सामने कोई 2 पतले से लौंडे ब्लेड लेके भी खड़े हो जाए ना, टांगे कांप जाती हैं, सारे मोबाइल पर सब निकाल के दे देते हैं हम। वजीर खान भी इसी तरह अंडर एस्टिमेट करके बैठा था सिखों को कि ये तो बैटल होना ही नहीं, अभी ये हमारे सामने आके घुटने टेक देंगे, अपनी तलवारें नीचे रख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी अपने सिखों को लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, और तब उन्होंने बोला वो ऐतिहासिक कोट, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, 1.25 लाख बंदे से 1 आदमी लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। ये सुनते ही सारे सिख सोल्जर्स ऐसे जोश से भर गए, ऐसा उनमें जुनून आ गया कि उन्होंने जो बोले सोनेहाल का ऐसा जिकारा लगाया कि बाहर खड़ी 10 लाख की सेना कांप गई कि यहां तो 40 सिख नहीं, यहां तो 40,000 सिख हैं। और फिर हुआ वो बैटल ऑफ चमकौर, 40 सिखों ने औरंगजेब की 1.25 लाख की फौज खत्म कर दी, और गुरुजी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। और यहीं से कहते हैं कि औरंगजेब का, उसके जुल्मों का, हमारे देश पे राज का शासन खत्म होना स्टार्ट हुआ था।